हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर हियर विद द सेकंड पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन फॉर ओपन लैंड एंड वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर द सेकंड मेथड व्हिच इज एब्स्ट्रैक्टिव मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्टिव मेथड? द एब्स्ट्रैक्टिव मेथड बिकम्स यूजफुल व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग लैंड ट्रांजेक्शन इन द नियर बाई एरिया, और इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ लैंड where sales are not occurring frequently can be worked out by the application of this method. So, in simple words, abstractive method हम तब use करते हैं जब हमारे पास कुछ भी information available नहीं है। Nearby areas में जो भी land transactions होते हैं, buying and selling जो cycle है उसके बारे में हमें कुछ भी information नहीं है, तो हम इस method को use कर सकते हैं। As compared to comparative method, abstractive method is more scientific, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करते हैं, इसमें हम कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं जिससे हमें रिजल्ट थोड़ा एक्यूरेट मिलता है। कंपैरेटिव मेथड में हमने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स जैसे कि साइज, शेप, फ्रंटेज, लोकेलिटी, इन सब एलिमेंट्स को कंसिडर करके कंपैरिजन किया था। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने कंपेयर किया है दैट इज़ ओनली राइट और दैट इज़ ओनली एक्यूरेट। सो वी कैन यूज़ दिस एब्स्ट्रैक्टिव मेथड एज इट इज़ मोर scientific method. Next, the value of land where sales are not occurring frequently. इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे active market नहीं है। Active market क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बात की थी। Abstractive method का use कैसे करते हैं? Suppose अगर हम इस plot का valuation निकाल रहे हैं and assume that कि यहाँ पर ये building नहीं है, तो इसके नियर बाय एरिया में कोई भी रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, दिस बिल्डिंग। आपको इसमें करना क्या है, आपको उस बिल्डिंग का रेंट फाइंड आउट करना है और उसको लेकर आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट अस कंसिडर द कैपिटल वैल्यू एज कैपिटल सी। सो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू वाई पी। यहाँ पर नेट इनकम मतलब ईयरली रेंट जो भी उस बिल्डिंग को या फिर उस ओनर को मिल रहा है, दैट इज़ द नेट इनकम। एंड वाई पी इज़ नथिंग बट ईयर्स परचेज। सो वाई पी इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 1/IP+IC। सो IP+IC मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैल्यू प्लस रेट ऑफ सिंकिंग फंड। देन द नेक्स्ट स्टेप इज Estimated cost of replacement of above property is calculated and after making allowance for depreciation, cost of building is calculated. Let us consider this as capital S. जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई piece of land है और उस पर कोई building है, so the total value will comprise of building value plus land value. यहाँ पर हमें land की value calculate करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी total value है उसमें से हम बिल्डिंग वैल्यू को माइनस कर देंगे। जब हम बिल्डिंग वैल्यू को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द लैंड वैल्यू। बिल्डिंग का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इट इज़ वेरी इजी। हम डिटेल्ड एस्टिमेट बिल्डिंग का यानी कि ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये हम कैलकुलेट करेंगे एंड ओरिजिनल कॉस्ट में से हम ईयरली डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। सो वी विल गेट द बिल्डिंग वैल्यू विच इज़ कंसिडर्ड एज एस। नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंस C minus S gives the value of the land, and if the area is A, then cost per unit area is C minus S divided by A. So, जब हम C minus S calculate करेंगे, यानी कि capitalized value minus S, S is the building value. So, capitalized यानी कि total value में से आप जब building value को minus करेंगे, तो you are left with the land value. So, you can use that land value for your comparison or your reference. So this is all about abstractive method. इसमें हमने देखा कि कैसे हम ये लैंड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस बिल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर मैक्सिमम। थैंक यू।